हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पैट के बारे में। तो यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए इसका कंप्लीट कोर्स। तो कुछ साथी मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, उन सभी को पता होगा हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं और किसके बारे में पढ़ रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है वो नए आए हैं और वो देख लेते हैं पैट के बारे में। यहाँ बताने वाली हूँ आपको, पैट का सिलेबस ये है। इसके 15 खंड कर रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो हमने बात की है इतिहास से प्रारंभ। इतिहास में मैंने अभी आपको इसके जो है तीन वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। तीन वीडियो में कौन कौन से हैं, पहला सिंधु घाटी सभ्यता का है, दूसरा वीडियो जो है वैदिक संस्कृति का है, तीसरा है वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सभी। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, इनसे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम अभी तक पूछे गए हैं, पूछे जाने वाले हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, वहीं से चलते हैं आगे क्लास की ओर। तो आज का पहला फैक्ट है जैन शब्द जिनसे बना है, जिसका अर्थ होता है, जैन शब्द जो है जिनसे बना है, इसका अर्थ है विजेता। और विजेता का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभदेव हैं और ये पहले तीर्थंकर भी हैं। यानी कि जब संस्था, ऑब्वियसली कि जब संस्थापक है तो पहले तीर्थंकर यही रहे होंगे। जैन धर्म में जब कोई आचार्य बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जैन धर्म में जो आचार्य होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने चार, पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, तो इनने जो चार महाव्रत थे इनके कौन कौन से थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन चार महाव्रतों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इन्होंने स्पेशली क्या, अहिंसा पर बहुत जोर दिया था, स्पेशली अहिंसा पर। पार्श्वनाथ ने काया कलेश एवं तपश्चर्या से मोक्ष प्राप्ति की बात कही है। 23वें तीर्थंकर हैं और 24वें आप सभी जानते होंगे, इन्हें कैसे भूल सकते हैं, ये 24वें तीर्थंकर जो हैं महावीर स्वामी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जैन परंपरा के अनुसार इसमें कुल, यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया था, ऐसा माना जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, महावीर स्वामी की, किनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन पिता कौन माता इनकी, ये सब चीज़ें। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान कौन थे वहाँ के, सिद्धार्थ जो इनके पिता हैं, यहाँ पर 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ प्राचीन संस्करण है एनसीईआरटी के, उसमें दे रखा है कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कुछ नवीन संस्करण है उसमें दे रखा है कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो सही फैक्ट जो है वो 599 वाला ही है, क्योंकि यहाँ पहले भी दे रखा है और यहाँ भी है। तो अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, एग्ज़ाम से संबंधित कोई तिथि आती है, तो आप याद रखिएगा 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम जो है त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। वैशाली के शासक थे लिच्छवी, उनकी बहन थी। महावीर स्वामी का विवाह जो है यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था और जो बौद्ध थे उनका विवाह हुआ था यशोधरा। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइए, दोनों में बहुत फैक्ट जो है मैच करते रहते हैं, जैसे कि यशोदा यशोधरा, जैसे कि सिद्धार्थ इनके यहाँ पिता हैं लेकिन गौतम खुद का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, इनके जन्म से संबंधित हैं, कहाँ इन्होंने प्रवचन दिए, क्या इनकी भाषा थी, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जब एग्ज़ाम पूछा जाता दोनों को कहीं ना कहीं ऐसी जगह डाल देते, तो हमें लगता है कि ये महावीर स्वामी का था या फिर गौतम, ये महात्मा बुद्ध का था, तो ऐसा लगता है। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों को, दो तीन बार 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 पढ़ेंगे वीडियो को, दो तीन बार देख लेंगे, आपको PDF इसकी मिल जाएगी, उसे एक बार पढ़ लेना, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसे भूलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम जो है अनौज्या प्रियदर्शनी था और दामाद जो इनके हैं वो जमाली थे, जो कि इनके पहले से बनते हैं महावीर स्वामी के। इन्होंने, यानी महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से
घर छोड़ दिया था, घर त्याग दिया था। घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी सन्यासी को और क्या बोलती है, यति बोलती है, पर्यायवाची है इसका, जो कि आपके हिंदी में काम आने वाला है। अभी इसके बाद में हिंदी पढ़ाएंगे आपको, और अभी इसकी पैट के कंप्लीट कराने के बाद में अच्छे से डीप से आपको डीपली जाके हिंदी पढ़ाऊंगी, तब बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उस टाइम सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह तद्भव तत्सम सब कुछ लेकर के आएंगे, तो उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो सन्यासी हो गए तो 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद, 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, उसके बाद इन्हें रिम्बिक ग्राम के निकट एक नदी होती है ऋजुपालिका, उस नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्ति होती है। कैवल्य यानी कि ज्ञान, जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य नाम से संबोधित किया गया है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कई अन्य नामों से जाने लगा, जैसे कि कौन कौन से नाम थे, केवलन क्यों कहा जाता था, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के कारण। जिन किस लिए कहते थे इन्हें, सभी इंद्रियों को जीतने के कारण। महावीर किस लिए कहा जाता था, अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण। अर्हत क्यों कहते थे, योग्य होने के कारण, ये योग्य थे इतने। निग्रंथ क्यों कहा जाते थे, बंधन रहित होने के कारण, इनके ऊपर कोई किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं था, इसलिए निग्रंथ कहा गया ना। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, अंग, विदर्भ आदि स्थान पर भ्रमण करके जैन मत का 30 वर्षों तक प्रचार प्रसार किया। कितनी वर्षों तक, 30 साल तक इसका प्रचार प्रसार करते रहे। लगभग 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पापापुरी में मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हो गई। इनकी 72 वर्ष में हो जाती है, और महात्मा बुद्ध की हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में, वो 80 साल के तो ये 72 की। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया, राजगृह में महावीर ने सर्वाधिक वास, यानी बहुत टाइम तक रुके, कहाँ पे रुके थे, राजगीर में, और किस ऋतु में रुके थे, तो ये वर्षा ऋतु में वहाँ पे रुके थे सबसे ज़्यादा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तो इनकी पहला उपदेश जो है इनका, वो पाली भाषा में दिया इन्होंने। आदि जैन ग्रंथों की प्राकृत भाषा प्राकृत थी, ऐसा माना जाता है कि आदि ग्रंथ जो है इनके, वो प्राकृत भाषा थी। इसमें जैनियों ने सबसे पहले प्राकृत भाषा को ही अपनाया था, ठीक है। जैन मतावलंबियों ने आम बोलचाल में प्राकृत भाषा को अपनाया था, जैसा कि बौद्ध धर्म में आपको बताया था मैंने, उनकी आम बोलचाल की भाषा क्या थी, वो पाली थी, और इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में, अर्धमागधी भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ। ये हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश का विकास कहाँ से कैसे हुआ, मतलब अर्धमागधी भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ, ये हिंदी का प्रश्न है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी पद्यावती यानी कि चंपा नरेश की महिषी थी, वो बनी प्रथम भिक्षुणी। महावीर स्वामी ने अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्त्य, परिग्रह, अपरिग्रह जो है इनके किसके थे, पार्श्वनाथ के थे, और पांचवा इसमें महावीर स्वामी ने जोड़ा, क्या था वो पांचवा, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के तीर्थ सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, और बौद्ध धर्म में क्या थे, धम्म, संघ, इस तरह से उसके तीर्थ थे। उसमें जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। केवल जो कि जैन धर्म के इनके महात्मा महावीर स्वामी के लिए प्रयोग किया गया है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो केवल ही कहा गया उसे, उस घटना को। जैन धर्म में 2 प्रकार के शीलव्रत की बात की गई है, कौन कौन से हैं वो शीलव्रत, गुणव्रत तथा गुणव्रत ही इसमें, और दूसरा है शिक्षा व्रत। गुणव्रत के अंदर क्या है, दिग्व्रत, देशव्रत तथा अनर्थ दंड व्रत, और शिक्षा व्रत में है सामयिक व्रत और प्रोष धोपवास व्रत, उपभोग, प्रतिभोग,
परिमाण व्रत, अतिथि संभाग संविभाग व्रत, ये सभी इसके शील व्रत हैं। तो जैन साहित्य में आगम का स्थान सर्वोपरि माना गया है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र भी हैं, अनुयोग द्वार और मूल सूत्र, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है। ऋषभ देव जो कि पहले इस जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, ऋषभ, और सांड को वृषभ भी बोलते हैं, तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं, ऋषभ वृषभ, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसे आगे देखते हैं, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ जो कि इसके 23वें तीर्थंकर हैं। तो पार्श्व में ये देखिए हल्का सा रावड़ा हुआ है और सर्प में भी रावड़ा हुआ है, और वैसे ही सर्प फन वाला होता है ना, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे तो पार्श्वनाथ का क्या सर्प हो जाएगा, और महावीर स्वामी का सिंह, ये तो सभी जानते हैं, कोई नहीं भूलने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 तत्वों में बटा है, ऐसा माना जाता है कि संसार जो है 6 तत्वों से बना हुआ है। जीव, पुद्गल, पुद्गल का मतलब होता है कि भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 तत्व हैं, इनसे संसार बना हुआ है। स्यादवाद को सप्तभंगे ज्ञान भी कहते हैं। स्यादवाद जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि स्यादवाद जो है किससे संबंधित है, तो उस तरह आपको ऑप्शन मिलेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी किसी के बारे में दे रखा होगा, तो आपको याद रखना होगा ये जैन धर्म से स्यादवाद संबंधित है। और कहीं आ जाता है ऐसा और क्या कहते हैं, तो सप्तभंगे ज्ञान कहते हैं। जैन धर्म के स्यादवाद का अर्थ क्या है, अर्थ इसका है शायद है भी और नहीं भी, ये इसका अर्थ होता है स्यादवाद का। स्यादवाद जैन धर्म का मूलाधार है। जैन धर्म में सिद्धों का क्रम इस प्रकार है, जैसे होता नहीं कि पोजीशन पहले किस पोजीशन पे आते हैं, उसके विराद पर कौन बढ़ते हैं, जब और ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आगे जाते हैं, तो इस तरह से इसमें क्रम दे रखा है। तो सबसे पहले जब जैन धर्म में प्रवेश करते हैं तो साधु बनते हैं, साधु सन्यासी, उसके बाद फिर इन्हें उपाध्याय बनाया जाता है, इसके बाद ये आचार्य बनते हैं, आचार्य के बाद फिर ये अर्हत कहलाते हैं, और अर्हत के बाद सबसे जो लास्ट पोजीशन है तब ये आके तीर्थंकर बनते हैं। तो इसका क्रम है। न्यायवाद का संबंध जैन धर्म से ही है, न्यायवाद जो है। अगला पॉइंट है आपका, न्यायवाद का संबंध जैन धर्म से हो गया। जैन धर्म अनीश्वरवादी है, जैन धर्म अनीश्वरवादी है। हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि वो भी अनीश्वरवादी थे, और साथ ही वो आत्मा को भी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन जैन धर्म क्या है, ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म वाले क्या थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा को अनीश्वरवादी ये सब थे, आत्मा को नहीं मानते थे, अनीश्वरवादी थे, लेकिन पुनर्जन्म में, जैसे जातक कथाओं में इनकी पुनर्जन्म से संबंधित 200 कहानियों के बारे में उल्लेख मिलता है जातक में, जातक नामक जो ग्रंथ है उसमें बौद्ध धर्म की। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का अस्तित्व कैसा है, शाश्वत है, सृष्टि का अस्तित्व शाश्वत है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे, और जो दिगंबर हैं वो नग्न रहने वाले थे, जो भी वस्त्र धारण नहीं करते थे। जैन धर्म की पहली जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्र मौर्य के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। इस संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 ग्रंथों का प्रणयन किया गया था, और जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म की दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी, अब देखिए कितना डिफरेंस, ये 310 ईसा पूर्व में और ये होती है 512 ईस्वी में, बहुत डिफरेंस, दोनों के बीच काफ़ी साल का अंतर है ना। तो ये 512 ईस्वी में कहाँ पे होती, बल्लभी, जो कि आज के टाइम का मेरे हिसाब से गुजरात पड़ता है, वहाँ होती है, देवर्दी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में होती है। इस संगीति में जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से, जैन ग्रंथ जो थे उन्हें अंतिम रूप से संकलित करने के बाद में लिपिबद्ध कर दिया गया था। जैन धर्म के तीर्थनों का पालन करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं संवर, इस प्रक्रिया को समर कहा जाता है। जब जीव में पहले से किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो इसे क्या कहते हैं, फिर से देखते हैं इस लाइन को, जब जीव में पहले से किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निर्जरा। जैन धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित है,
जैसे कि आपको पता है अहिंसावादी थे, हिंसा वगैरह नहीं करते, तो इसलिए युद्ध और कृषि से वर्जित थे। कृषि से क्यों? क्योंकि जब कृषि करेंगे तो कई तरह के कीट पतंग भी उनसे जब कृषि करते हैं वो मरते हैं, तो इसलिए कृषि को भी वर्जित मानते थे। ये तो है ही, आप जानते हैं युद्ध में तो कितनी मारा काटी होती है, सभी समझते हैं। जनसंघ के सदस्य चार वर्गों में बटे थे, वो कौन कौन से थे? भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। जैन संघ को महासभा कहा जाता था। महावीर स्वामी के शिष्य मोखली पुत्र गोशाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये पॉइंट मैंने आपको बौद्ध धर्म जब पढ़ा रही थी उस टाइम बताया था, जब आचार की बात चल रही थी, आचार और प्रतिपादक, तो आजीविक संप्रदाय के कौन थे? मोखली पुत्र गोशाल। श्रवण बेलगोला में के निकट गोमतेश्वर की मूर्ति, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण जो किसने करवाया? चामुंडा राय ने। ये पूछा जाता है कि किन शासकों ने करवाया था इसका निर्माण, वो जैन प्रतिमा थी तो चामुंड शासकों ने। जैन धर्म का कर्नाटक में प्रचार, कहाँ पे? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था किस ईस्वी में? 321 से 297 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है आपका जैन धर्म, ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था इसका प्रचार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाकर राज त्याग दिया और अपने जीवन के अंतिम वर्ष तक साधु होकर धर्म का प्रचार प्रसार किया। 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत सारे जैन मठ स्थापित हुए, जो मठ स्थापित किए गए थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहते थे वसदिस। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर कहाँ का? रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा रहा। 4वीं शताब्दी में 12 वर्षों तक मगध में अकाल पड़ता रहा। मगध में अकाल पड़े रहने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में चले आए कौन? भद्रबाहु कर्नाटक में चले आए थे अपने शिष्यों के साथ में जब अकाल पड़ रहा था मगध में। अकाल के खत्म होने पर जब लौटे तो उन्हें दिगंबर या दक्षिणी जैन कहा जाने लगा, इस नाम से उन्हें जाना जाने लगा। मगध में अकाल पड़े रहने पर भी स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहे और ये श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, कलिंग में जैन धर्म का प्रचार कलिंग राजा खारवेल ने किया है। कलिंग में जैन धर्म का प्रचार कलिंग राजा खारवेल ने किया था। जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार व्यापारी वर्ग में हुआ था। जैसे कि आप भी आज जानते हैं जितने भी जैन लोग हैं सब मतलब व्यापारी यानी बनिया टाइप के लोग ज़्यादा मिलते हैं आज भी हमें। महावीर स्वामी का अपने दामाद जमाली से क्रियामाणकृत सिद्धांत पर मतभेद हुआ था। अपने दामाद से इनके दामाद थे जमाली। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था, वहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी जैन धर्म में क्या है? पहले नहीं होती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में श्वेतांबर जब दो संप्रदाय में बट गया था श्वेतांबर दिगंबर, तो श्वेतांबर के लोग मूर्ति पूजा का प्रचलन करने लगे थे, वो भी महावीर की और जो अन्य तीर्थंकर हुए उन सभी की। जैन धर्म के समर्थक जो राजा थे, और राजा की बात कर लेते हैं कौन कौन से थे राजा थे उसमें, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये बिंबिसार है और ये बिंदुसार है, ठीक है, और खारवेल राजा यहाँ भी था। तो इस तरह ये सभी राजा थे जो जैन धर्म के समर्थक थे। स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हाथी गुम्फा मंदिर जो कि ओडिशा में है, दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, गोमतेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है, पार्श्वनाथ मंदिर ये खजुराहो में है, ये सभी उल्लेखनीय किससे? जैन धर्म से संबंधित हैं और ये यहाँ पर ये स्थित हैं। आगे करते हैं बात हम जैन संगीतियों के बारे में। प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे और किस किस ने करवाई थी। तो प्रथम जैन संगीति का समय है वो 310 ईसा पूर्व में हुई थी। वहीं जैन द्वितीय की संगीति बात करें तो ये 512 ईस्वी में हुई थी एडी में। स्थान क्या था प्रथम का? पाटलिपुत्र में, और दूसरी जो हुई थी वो बल्लभी गुजरात में हुई थी। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और द्वितीय के थे देववर्दी क्षमा श्रवण। शासक कौन थे प्रथम जैन संगीति में? चंद्रगुप्त मौर्य। और द्वितीय जैन संगीति के समय तो पता ही नहीं कौन थे, अज्ञात नहीं इसके बारे में, किसी पुस्तक में नहीं दे रखा है।
और कार्य क्या हुआ था? प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था, और द्वितीय जैन संगीति में क्या था? जैन ग्रंथ अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। ये इनके कार्य थे। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ, फिर मैं लेकर के आऊँगी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे बात करेंगे जैन धर्म के बाद में जो टॉपिक आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।